हम सभी अपने भारत माता की एक बार जोरदार जय घोष करेंगे और सभी का ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, एबीवीपी डायनामाइट, एबीवीपी डायनामाइट, जय 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 माता, भारत माता, भारत माता। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बंगाल में बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जगन कृत किया जा रहा है, कुकृत किया जा रहा है और वहां की मौजूदा सरकार उन अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उनको बचाने का कार्य कर रही है। ममता सरकार कहीं ना कहीं उस घटना में भी संलिप्तता दिखाई दे रही है ममता सरकार की कि उस अपराधी को 55 दिन तक संरक्षण करती है और वो अपराधी बचा रहता है पुलिस से। ये हमारी भारत भूमि जहाँ क्या होती है, जहाँ नारियों को देवी का अवतार माना जाता है, उसी भारत भूमि के बंगाल के हिस्से में नारियों के साथ कुकृत किया जाता है और नारियों को तार तार कर दिया जाता है। और जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है और उस राज्य में महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है, वहाँ की ममता बनर्जी अंधी हो गई है, पैरी हो गई है, गूंगी हो गई है। अभी तक ममता बनर्जी ना उस संदेश खाली स्थान तक गई है, ना उन महिलाओं के साथ कोई भी वार्ता की है। वो महिलाएं अभी भी बहुत सहमी हुई है। ये सिर्फ बंगाल के एक संदेश खाली का मामला नहीं है, पूरे बंगाल में ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ की महिलाएं डरी हैं, सहमी है। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, वहाँ बंगाल में छात्राएं जो बहने डरी हुई है, सहमी हुई है और पूरे बंगाल में ये कृत्य हो रहा है। और विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि उस अपराधी को फांसी हो ताकि एक निर्णायक कार्रवाई हो सके। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग 10 मिनट का समय और देंगे, ये धरना अपने आखिरी चरम पे है। 10 मिनट तक अपने शरीर में ऊर्जा बनाए रखें और इसी क्रम में मैं अब निखिल को बुलाना चाहता हूँ कि वह आए और अपनी बातों को रखे। भारत माता की, भारत माता की, मीडिया भी आई हुई है यहाँ पर, पूरे भारतवर्ष आज के सैकड़ों युगों पहले तक से नारी शक्ति की पूजा करती है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि उसी भारत देश के एक स्वतंत्र राज्य में महिलाओं के साथ, हमारी पूजनीय नारियों के साथ ऐसा दुराचार होता है। मैं आज यहाँ से ये आवाज गूंजता हूँ और ममता सरकार से कहता हूँ कि खान खोल के सुन लो, जब जब इस प्रकार की घटना देश की बेटियों के साथ होगा तब तक विद्यार्थी परिषद इस प्रकार का आंदोलन करेगा और उससे भी नहीं होगा तो उससे बड़ा आंदोलन करेगा, उससे पीछे नहीं हटेगा। भारत माता के, भारत माता के। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा बहन सुहानी को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी बातों को रखे।
दस मिनट का समय और ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। देखिए आवाज आएगी ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम सुहानी है और मुझे लगता है कि औरतों के ऊपर औरतों को एक ऐसा मौका मौके का दिन नहीं रखना चाहिए जब